सीधे आगरमालवा से। चुनावी चौपाल में डीडी न्यूज मध्यप्रदेश टीम आगरमालवा पहुंची। यहां पे महिलाओं की चुनावी चौपाल आयोजित की। इस चौपाल में महिलाओं के द्वारा आगर जिले की विभिन्न समस्याओं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। ।2019 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मैं जिसमें पहली बार मतदान करूंगी और मैं मतदान के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अच्छी सरकार चुने जिससे हमारा देश अच्छा रहे। जो हमारे लिए अच्छा कार्यक्रम भी सरकार हम चुनना चाहेंगे, उससे महिलाओं से अपील है कि सभी अधिक से मतदान करें। मैं पहली बार मतदान देने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। महिलाओं और लड़कियों को अधिक से अधिक वोट कर देने चाहिए जिससे अच्छी सरकार चुनी चाहिए। फोर लाइन भी होना चाहिए, फिर रोड तालाब की व्यवस्था, तालाब गंदा हो रहा है। जो उसका नाम तो मोती है पर वो बहुत ही गंदा है। उसके बाद में है जी जो भी निर्माण है, जो जनता करे, जो जो हमारे है ना सरकार करेगी, उसको हम चुनेंगे, वो सरकार हमारी सारी मांग पूरी करेगी। ये हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए सभी से बोलूँगी। और जो महिलाएँ ज़्यादा करके उसमें पीछे रह जाती हैं, वो अपने मत का प्रयोग करें, अपनी इच्छा अनुसार करें, किसी के दबाव में आकर नहीं करें। और जो हमारे रेलवे की समस्या है हमारे आगर में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस जो सरकार इसको आगे बढ़ाए उसी को मानते हैं। आगर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रेल की समस्या, फोर लेन की समस्या। तो सभी से निवेदन है कि मतदान करके अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। रेल की लाइन हमारे आगर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और यहाँ के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करे। आज मेरी उम्र 80 साल की है और मैं अभी तक है नहीं, मतलब है नहीं मतदान करती हुई आई हूँ। और सभी मेला हो रहे नहीं आगे बढ़ के, जो अपना सरकार है नहीं जो कार्य करता है उसको आगे ला। मैं चाहती हूँ कि अपने देश का विकास करे, उसी सरकार को हमें चुनना चाहते हैं। सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट दें और अपनी अच्छी सरकार चुनें।